क्या आलिया बनेगी ट्रिपल आर की ब्रेकआउट स्टार? क्या ट्रिपल आर का बनेगा पार्ट टू? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। ऐसा कहा जाता है कि हर एक कहानी अलग होती है, हर कहानी के अलग अलग पहलू होते हैं जो उस कहानी को हटकर बनाते हैं। इन कहानियों के अलग होने की वजह से ही हम उस कहानी को लेकर एक्साइटेड होते हैं। बॉलीवुड हो या फिर चाहे टॉलीवुड, हर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई ना कोई कलाकार होता ही है जो कि अपने टैलेंट से अपनी ऑडियंस और फैंस को खुश कर देता है। आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है। अगर किसी फिल्म मेकर को इसकी नॉलेज हो कि उसका फैन बेस उससे क्या एक्सपेक्ट करता है, तो उसका इस फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना काफी आसान हो जाता है। जब बाहुबली फिल्म आई थी तो सभी के जुबां पर एसएस राजामौली का नाम था और उस फिल्म फ्रेंचाइजी के दूसरे पार्ट से भी ये बात तो तय हो ही गई थी कि राजामौली को इस बात की नॉलेज है कि ऑडियंस बड़े पर्दे पर क्या देखना चाहती है। और अब लगता है कि अपनी इसी नॉलेज को लेकर राजामौली फिर से अपने फैंस को खुश करने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजामौली की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर की। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार्स रामचरण जूनियर एनटीआर के साथ साथ श्रिया शरण दिखने वाली है। आपको बता दें कि इस तेलुगु फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को भी एक भूमिका मिली है और इसकी वजह से दर्शकों की एक्साइटमेंट भी दुगनी हो गई है। जहां एक तरफ इस फिल्म में साउथ के दिग्गज कलाकार हैं, वहीं आलिया से उम्मीद की जा रही है कि वो इस फिल्म की ब्रेकआउट स्टार बन के निकलेगी। आपको बता दें कि राजामौली ने तो आलिया की बहुत ही तारीफ की है, वहीं आलिया ने भी राजामौली के डायरेक्शन और विजन की जमकर तारीफ की है। आलिया सीता की भूमिका निभा रही हैं, जो रामचरण के किरदार अल्लूरी सीतारामा राजू की प्रेमिका होने वाली हैं। आलिया की तारीफ करते हुए राजामौली ने ये भी कहा कि आलिया ने एक साल में तेलुगु सीखी है और अब इस भाषा में काफी फ्लुएंट हो गई हैं। राजामौली के डायरेक्शन को फैंस भी इतना पसंद करते हैं कि वो अभी से ट्रिपल आर के सीक्वल की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि राजामौली बाहुबली की तरह ही ट्रिपल आर को भी एक टू पार्ट फ्रेंचाइजी बना दे। अब हम तो अभी से ट्रिपल आर के पार्ट टू को जल्द से जल्द देखने के लिए एक्साइटेड हैं। और आप, क्या लगता है आपको, क्या ऑडियंस करेगी ट्रिपल आर को पसंद? अब ये तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा और हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।